आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। कोरोना महामारी को देखते हुए जनपद के सभी विद्यालय 15 फरवरी तक रहेंगे बंद, ऑनलाइन कक्षाएं रहेंगी चालू। जिला अधिकारी विजय किरण आनंद ने दी जानकारी। विधानसभा चुनाव में ड्यूटी पर लगे मतदान कार्मिकों के पहले चरण का प्रशिक्षण राजकीय जुबली इंटर कॉलेज में हुआ प्रारंभ। मास्टर ट्रेनरों ने दिया ईवीएम मशीन के संचालन सहित मतदान से संबंधित जानकारी। महानगर की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए एसपी ट्रैफिक की अध्यक्षता में गोष्ठी का किया गया आयोजन। कहा मीटिंग में हर छोटी बड़ी समस्याओं को एक दूसरे से किया गया साझा, जिससे यातायात व्यवस्था को सुगम एवं सुव्यवस्थित चलाने में मिलेगी मदद। विधानसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए अपराधियों पर जिला बदर की जा रही है कार्यवाही। जिला अधिकारी विजय किरण आनंद ने दी जानकारी। जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में संपन्न हुई एमसीएमसी की बैठक। कहा समिति प्रत्याशी के व्यय पर निगरानी रखते हुए उसकी रिपोर्ट को व्यय निगरानी समिति को उपलब्ध कराना करे सुनिश्चित। गोरखपुर में गुरुवार को पाए गए 147 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में घट रही है एक्टिव केस की संख्या। अब एक्टिव केस की संख्या हुई 1694। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने की पुष्टि। भाजपा की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में संपन्न हुई महिला संपर्क अभियान की बैठक। कहा उत्तर प्रदेश में महिलाएं मोदी एवं योगी की सरकार से हैं संतुष्ट। पूरी जनता को भाजपा को वोट देने के लिए करेंगी प्रेरित। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला अधिकारी विजय किरण आनंद ने नागरिकों से किया अपील। कहा ऐसे व्यक्ति जो कोविड रोधी टीकाकरण से है वंचित, अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचकर जरूर करवाएं टीकाकरण। बाईस विधानसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए कैंट पुलिस ने एसएसबी जवानों के साथ किया फ्लैग मार्च। जनता को दिलाया सुरक्षा का एहसास। गुरुवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में कुल 265 केंद्रों पर 20,574 लोगों को किया गया कोविड का टीकाकरण। फर्स्ट डोज लेने वालों में 5,825 लोग तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 13,632 लोग रहे शामिल। कोविड प्रोटोकॉल का करे पालन, लगाए मास्क, करे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। और 2022 विधानसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए रामगढ़ताल पुलिस ने एसएसबी जवानों के साथ चलाया वाहन चेकिंग अभियान। चार पहिया वाहनों को किया चेक, उतरवाया काली फिल्म।